नमस्कार। आइए आज एक लघु कथा जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई है उसे आपके साथ साझा कर रहा हूं। इसका शीर्षक मैंने रखा है भूत गणित का। यह दावा करने की हिमाकत मैंने कभी नहीं की कि मैं हिंदी भाषा पर अच्छी पकड़ रखता हूं, परंतु किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में मुझे सुनने के बाद सुधी श्रोतागण मेरी प्रशंसा करते हैं तो स्वाभाविक रूप से एक सामान्य मनुष्य की भांति मैं आत्मविभोर अवश्य हो जाता हूँ। जनसमूह को संबोधित करते हुए मंच संचालन या किसी निर्धारित विषय पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का सुअवसर मुझे हाई स्कूल से ही मिलता रहा है। छात्र जीवन में कई बार ऐसे अवसरों पर गुरुजनों ने पीठ थपथपाई है, कभी कभी कलम किताब के रूप में पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं, परंतु कोई तमगा या ट्रॉफी जैसे आकर्षक पुरस्कार प्राप्त करने की अभिलाषा आज तक पूरी न हुई। हाँ, तालियों की गूंज से मन तब भी आह्लादित हुआ करता था, आज भी होता है। विद्या देवी सरस्वती की कृपा विचार अभिव्यक्ति के मामले में सदैव बनी रहती है, परंतु गणित के मामले में उन्होंने हमेशा मुंह फेर लिया है। परिणाम स्वरूप जब कभी गणित संबंधी समस्या से मुखातिब होता हूँ मेरी मनोदशा अत्यंत ही दयनीय हो जाती है। यह मानसिक विकलांगता बचपन से ही बनी हुई है। पहली से नवीं कक्षा तक के छात्र जीवन में, आठवीं तक तो जैसे तैसे गुलाटी मारते गणित में पास होता रहा। उसके बाद नवीं के गणित में फेल होने के बावजूद दसवीं में जा पहुंचा। कला यानी आर्ट्स का छात्र होने के कारण तत्कालीन पाठ्यक्रम के अनुसार दसवीं से इस विषय का भूत मेरे सिर से उतर गया। पैशाचिक गणित से जुड़ी एक अत्यंत ही रोमांचक घटना आपसे साझा करना चाहूँगा। तब यानी 1966 में मेरी सातवीं की परीक्षा बोर्ड द्वारा संचालित हो रही थी और कई विद्यालयों के साथ हमारे दुर्गा संस्था मिडिल स्कूल का परीक्षा केंद्र मुंगेर का ट्रेनिंग स्कूल था, जो गंगा नदी के सोझी घाट के पास शहर का एक विख्यात हाई स्कूल हुआ करता था, यकीनन आज भी है। शानदार विद्यालय का विशाल प्रांगण, बड़ी बड़ी हवादार कक्षाएं, बिजली के उपकरणों से सुसज्जित कक्षाओं के दरवाजे इतने ऊंचे और चौड़े कि कोई घुड़सवार भी बिना सिर झुकाए अंदर बाहर हो जाए। मेरे लिए इतनी भव्यता एक स्वप्न लोक में विचरने जैसी थी, मानो किसी कुएं से निकलकर बड़े तालाब में आ गया था। वह परीक्षा केंद्र पुलिस लाइन से लगभग 3 किलोमीटर दूर था। पिताजी को इतनी फुर्सत न थी कि मुझे वहां ले जाते, जबकि आजकल शहरों में देखता हूं माता पिता अपने बच्चों को परीक्षा केंद्र पर स्वयं लेकर जाते हैं और परीक्षा आरंभ होने की घंटी बजने के कुछ देर पूर्व तक ढेर सारी सीख बच्चों को देते रहते हैं। माताएं तो बार बार बच्चों का मुंह पोंछकर अपना दुलार छलकाती रहती हैं। बच्चे जब परीक्षा केंद्र के भीतर दाखिल हो जाते हैं उसके बाद दोनों माता पिता या फिर उनमें से कोई एक वहीं केंद्र के बाहर कहीं फुटपाथ या जहां भी जगह मिल जाए वहीं बैठकर भोजन पानी के साथ परीक्षा की समाप्ति तक अपने बच्चों के बाहर निकलने की बाट जोते रहते हैं। उनका सारा ध्यान बच्चों की कुशलता पर केंद्रित रहता है। अंततः बच्चों को साथ लेकर घर लौटते समय बच्चों के संतोष या आनंद से वे संतुष्ट या आनंदित होते हैं, अथवा उनके असंतोष या दुख से स्वयं भी असंतुष्ट या दुखी होते हैं। यह सब इस बात पर निर्भर करता है
कि बच्चों के पर्चे कैसे गए हैं। मेरे माता पिता ने मेरे बारे में इस तरह की चिंता या दुश्चिंता का प्रदर्शन कभी न किया। पढ़ाई लिखाई या परीक्षा अपने भरोसे, केवल अपेक्षित व्यय के दायित्व को ही पिताजी ने मेरे पूरे विद्यार्थी जीवन स्कूल से कॉलेज तक अपनी सामर्थ्य भर बखूबी निभाया। बहरहाल बोर्ड परीक्षा के दिनों माँ मुंगेर ही में थी। जमालपुर के क्रिश्चियन हॉस्पिटल में उसकी कोई चिकित्सा चल रही थी। उसके साथ मुंगेर के पूरब सराय रेलवे स्टेशन से कुली ट्रेन द्वारा जमालपुर मैं ही जाया करता। माँ के साथ होने से खाने पीने की सुविधा थी। मैं समय पर कुछ अच्छा खा पी कर परीक्षा देने जा सकता था। अंग्रेजी, हिंदी, भूगोल, इतिहास, सामान्य विज्ञान, सामाजिक अध्ययन जैसे विषयों के पर्चे अच्छे गए थे। उनमें अच्छे अंक पाने के प्रति मैं पूरी तरह आश्वस्त भी था। परंतु जिस दिन गणित का पेपर था, पता नहीं विषय के भय या कुछ उल्टा सीधा खा लेने की वजह से तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, पर कोई चारा न था। उसी मानसिक और शारीरिक दशा के साथ परीक्षा केंद्र तक स्वयं को लगभग घसीटते ले गया। उत्तर पुस्तिका और प्रश्न पत्र बांटते देख हृदय की धड़कन बढ़ने लगी। कांपते हाथों से उन्हें लिया। आरंभ के कुछ एक प्रश्न आसान थे, उन्हें हल करने के बाद अगले प्रश्नों को देख मेरा सिर चकराने लगा और दिन में तारे दिखने लगे। पेट में कुछ हलचल सी हुई और उल्टी होने लगी। पूरे हॉल में भगदड़ सी मच गई, मानो कोई विस्फोट हो गया हो। अगली पिछली बेंच पर बैठे परीक्षार्थी अपनी अपनी उत्तर पुस्तिकाएं लिए इधर उधर छितराने लगे। ड्यूटी पर तैनात परीक्षा पर्यवेक्षक महोदय ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सफाई कर्मचारी को बुलाया और स्थिति नियंत्रण में आई। साफ सफाई के बाद मेरा सिर धुलवाकर हॉल के भीतर दरवाजे के पास एक दरी पर मुझे लिटा दिया गया और मेरी उत्तर पुस्तिका प्रश्न पत्र बगल में रख दिए गए। उन दिनों बोर्ड परीक्षा के दौरान संबंधित विद्यालय के शिक्षक अपने अपने विषयों की परीक्षा के दिन केंद्र पर जाया करते थे। उस दिन हमारे विद्यालय के गणित शिक्षक पंडित सीएल झा केंद्र पर आए थे। मेरे बारे में सूचना मिलते ही मेरे पास आकर दरवाजे के चौखट पर बैठ गए और अत्यंत बेचैनी के साथ पूछे, अरे शंकर, यह सब कैसे हुआ बेटा? क्या खाया था जो तबीयत खराब हो गई? मैं कुछ बोलता उसके पहले ही उन्होंने कहा, अच्छा छोड़ो, ये बताओ सवाल कहाँ तक हल किए हो? मैंने कहा, सर शुरू के 1, 2 और 3 कर चुका हूँ। उन्होंने कहा, चलो बाकी सवाल हल करो, मैं बोलता हूँ। वे प्रश्नों को धीमी आवाज़ में हल करवाते गए और मैंने चुपचाप लेटे लेटे ही सारे सवाल हल कर लिए। काम तमाम, किला फतह। यह नज़ारा पर्यवेक्षक महोदय को ठीक न लगा। उन्होंने हमारे झा सर को संबोधित करते हुए कहा, अब रहने दीजिए पंडित जी, आपने बच्चे की काफ़ी मदद कर दी, उचित होगा आप शीघ्र हॉल से बाहर निकल जाएं। हमारे सर जी को मेरे कारण अपमान का घूंट पीना पड़ा। मैं शर्म से गड़ा जा रहा था। वे यह कहते हुए हॉल से बाहर निकल गए, ठीक है सर, आपने जितना सहयोग किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह लड़का बहुत मेधावी है, तबीयत बिगड़ गई इसलिए मुझे इसका भविष्य बचाने के लिए इतना कुछ करना पड़ा। पर्यवेक्षक महोदय मेरी उत्तर पुस्तिका मुझसे छीन कर हवा में लहराते हुए कहने लगे, मैं किसी एक बच्चे की ऐसी सहायता कभी न करता। अरे मेरे लिए तो सभी एक समान हैं। पूरा हॉल सन्नाटे में था। उन्होंने अजीब सा मुंह बनाते हुए मेरी उत्तर पुस्तिका मेरे पास जमीन पर फेंक दी। मैंने ईश्वर का धन्यवाद किया
मुझे डर था कहीं वे आवेश में मेरी उत्तर पुस्तिका ही न फाड़ दें। परीक्षा अवधि समाप्त हुई, अंतिम घंटी बजी और मैंने अन्य बच्चों के साथ अपनी उत्तर पुस्तिका ठीक से जांच सहेज कर जमा कर दी। आश्चर्यजनक बात यह हुई कि परीक्षा समाप्त होते ही तबीयत ऐसे ठीक हो गई मानो कभी बिगड़ी ही न थी। परीक्षा के परिणाम निकले, मैं तब छुट्टियों में गांव चला गया था। वहीं पिताजी का पत्र मिला तो मालूम हुआ मैं प्रथम श्रेणी में पास हो गया था। बाद में अंक पत्र मिलने पर देखा गणित में 75 अंक प्राप्त हुए थे, जिसका पूरा श्रेय मैंने पंडित सीएल झा जी को दिया। स्पष्ट था कि मेरे द्वारा हल किए गए 1 से 3 तक के सहज व सरल प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल गलत थे। आज मेरे 3 बच्चे, सबसे बड़ी बिटिया प्रियंका, 2 बेटे क्रमशः अमित और उदय, कभी कभी मुझसे मेरे अतीत के बारे में सुनने की बड़ी जिद करते हैं। बीते दिनों की यादों के पन्नों को पलटते हुए जब मैंने एक दिन इनसे गणित की परीक्षा वाली उस घटना का जिक्र किया तो तीनों ने जोर से ठहाके लगाए। मेरा अमित तीनों में सबसे अधिक मुंह लगा है। उसने छूटते ही कहा, अरे डैडी जी, तहार उल्टी तो कमाल कर देलस, उल्टी कोई के तू फर्स्ट क्लास में पास हो गई लो। मैंने कहा था, हाँ बेटा, तहार बात बिल्कुल ठीक बा, तबीयत ना बिगड़ी तो हमारा खातिर बोर्ड के परीक्षा पास कइल मुश्किल रहला। तब अमित ने ही कहा, नर्वस भइला से पेट वगैरह खराब हो जाला, यही से सब सवाल हल होते, और जैसे ही तू कापी जमा कइल तहार तबीयत एकदम चंगा। आज गणित के प्रश्नों से तो नहीं बल्कि बच्चों से संबंधित किसी बात को लेकर अधिक चिंतित होने से पेट खराब हो जाता है।